श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 19 मार्च 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। चलते क्वेश्चन की ओर। पहला है, हाल ही में कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पहला राज्य गोवा बना है। अब टूल असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट टूल ये जो है एक टूल है, इसके लिए गोवा अमेरिका के एस एयर डाटा कंपनी से समझौता किया है। इसमें आपसे एक प्रश्न पूछेगा कोविड-19 के संबंधित, यदि आप उसका जवाब देते हैं तो ये कोविड-19 के संबंधित जो आप जवाब देते हैं तो आपको कोरोना वायरस होने की संभावना बता सकता है, अन्यथा नहीं। ये इनोवेशन कंपनी ने बनाया सेल्फ असेसमेंट टूल, जो कितने बनाए थे? इनोवेशन कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, वहाँ के सीएम कौन? प्रमोद सावंत। गवर्नर सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की कि पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका स्थापना कब हुआ? तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। एमडी कौन है? तो क्रिस मीना जयशिवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित को ट्रेस करने के लिए सेटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए हैं? तो किस राज्य ने बनाया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड तो ये दो जिला में, देहरादून और हरिद्वार में, देहरादून और हरिद्वार में ही है। इसके लिए संक्रमित व्यक्ति को एक दूसरे से संपर्क करता है तो उसे भी ट्रस्ट किया जाता है। ये करने वाला पहला राज्य है। और उत्तराखंड में 4 मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 के लिए रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर के नगर निगम ने कोविड-19 ऐप विकसित किया? तो नागपुर नगर निगम ने कोविड-19 के संबंधित ऐप विकास किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हाल ही में नेमाई घोष का निधन हुआ, वे कौन थे? तो प्रतिष्ठित फोटोग्राफर थे। ये किस लिए इनका नाम याद रखना? क्योंकि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है किसने? तो मनोज मुकुंद नरवाने। ये थल सेना अध्यक्ष है, इसने ही शुरू किया। करमवीर सिंह जल सेना अध्यक्ष है। राकेश भदौरिया तो वायुसेना अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने किसकी उच्च प्रोटीन बायो फोर्टिफाइड किस्म विकसित की है? उच्च प्रोटीन की बात है तो प्रोटीन में किसका विकसित किया? तो गेहूं का विकसित किया है। इसमें वृद्धि प्रोटीन कितना किया? तो 14.7% वृद्धि करके एक बायोफाइटिन किस्म की विकसित की है। किस क्या चीज़ का? तो गेहूं को विकसित किया भारत के वैज्ञानिक ने। सामान्य गेहूं से इसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा और 40.3 ppm जिंक डाला है किसमें? ये गेहूं में। हाल ही में किस देश की एबॉट लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने का टेस्ट किट लॉन्च की है? ये अमेरिका ने, अमेरिका के एबॉट लैब ने कोरोना वायरस से संबंधित वायरस को 5 मिनट में क्या करने के लिए? पुष्टि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CBDT बोर्ड के नए सदस्य कौन बने हैं? तो एस कुमार और KM प्रसाद उपर्युक्त दोनों बने हैं। इसका फुल फॉर्म क्या था? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के नए अध्यक्ष बने। इसका स्थापना 1983
44 में हुआ था। हेडक्वार्टर का नई दिल्ली एमडी कौन है? तो प्रमोद चंद्र मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक बाजार पूंजी वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? बाजार की पूंजी वाले तो रिलायंस इंडस्ट्री सर्वाधिक पूंजी वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिसिल ने बीते वर्ष में 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 3.5%। लेकिन क्रिसिल ठीक पहले कोरोना वायरस के पहले 5.2% लगाया था उसी के साथ, और मोदी जी ने कोरोना वायरस के पहले 5.3% लगाया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण अब जीडीपी कितना बताएं? तो 2.5 बताएं भारत का 2021 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला बाजारी के खिलाफ त्वरित मुकदमा करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। अब आते हैं बिहार सरकार ने, और बिहार सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राशन कार्ड धारकों के 1,000 रुपया देने की घोषणा किया, और ठीक पहले बिहार में ही प्यार का पौधा योजना लागू किया गया था। अब बात है बिहार, बिहार की राजधानी पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। अब बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र। और राजस्थान में ही एक योजना का विस्तार किया गया था, वो कौन सा योजना था? तो IGMP इंदिरा गांधी महत्वपूर्ण पोषण योजना का विस्तार किया गया था, ये 4 आदिवासी जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने गरीबों के लिए 1 महीना को की मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 200 करोड़ की मांग की है, 200 करोड़ की मांग की है राज्य केंद्र सरकार से। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।